पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने टेक्स्ट के ऊपर कुछ बात की, हमने टेक्स्ट को क्रॉल करके देखा, हमने और फर्दर उसकी मूवमेंट देखी, किस तरह से हम लोअर थर्ड नेम सुपर्स वगैरह बना सकते हैं, हमने वो सारी चीज़ें एक्सप्लोर की। अभी हम थोड़ा सा मज़ीद इसको देखते हैं, ग्राफिक्स जो टैब इसमें बाय डिफ़ॉल्ट एक वर्क स्पेस बनी हुई है कि उसमें किस तरीके से हम काम कर सकते हैं। उसमें आपके पास कुछ बाय डिफ़ॉल्ट कुछ प्रीसेट्स बने हुए हैं, ऑलरेडी कुछ टेम्पलेट्स हैं, और अगर आप चाहें तो इनको फर्दर अपनी जो आपके पास आर्काइवल जो वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप अपने और चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहाँ से भी आप इसके बने बने प्रीसेट्स डाउनलोड कर सकते हैं। आइए हम इसको देखते हैं। जी, मैंने अपना प्रोजेक्ट ओपन किया है और मैंने दो क्लिप इसके अंदर इम्पोर्ट करके अपनी टाइमलाइन पर रखे हैं। आप देख सकते हैं आपके पास एक क्लिप इस तरह से है जिसमें कुछ एनिमेशन का पार्ट भी इन्वॉल्व है, और दूसरा है मेरे पास एक सिंपल क्लिप है जिसमें मेरे पास एक आदमी है जो कि इस वक्त आपको कोई बात सुन रहा है या रिएक्शन दे रहे हैं। तो इसके ऊपर अगर मैं कुछ और ग्राफिक्स एलिमेंट अपने डालना चाहूँ तो मेरे पास यहाँ पर एक ग्राफिक्स का पूरी एक वर्क स्पेस मौजूद है। अगर आपके पास यहाँ पे ना शो हो रही हो तो आप विंडोज़ में जाके वर्क स्पेस और यहाँ से ग्राफिक्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर शो हो रही होगी। ग्राफिक्स में आप क्लिक करेंगे तो आपके पास राइट साइड पर आपके पास एसेंशियल ग्राफिक्स करके एक टैब आ जाएगा। कुछ आपके पास और भी विंडो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ऑलरेडी सेट हुई हुई हैं, टूल्स वगैरह आपका मूव हो चुका है। तो जैसे पहले भी मैं बता चुका हूँ कि आपके पास विंडो आपका जो टैब है वो कहीं पर भी मूव हो जाए, आप उसको अपनी मर्ज़ी से मूव कर सकते हैं। और ज़्यादातर ये जो वर्क स्पेसिस हैं बेसिकली डिज़ाइन इस तरह से ही हुई हुई हैं कि जिस चीज़ के ऊपर आप काम कर रहे होते हैं तो उसी हिसाब से इन्होंने इसकी पोजिशनिंग की हुई होती है, जो कि काफ़ी यूज़फुल रहती है। खैर, हम इसको एक्सप्लोर करते हैं, कुछ हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या चीज़ें इसमें हैं। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप इसको देखें, आपके पास कुछ टाइटल्स भी यहाँ पर हैं और डिफरेंट ऑप्शन, जिस तरह आप देख सकते हैं कि क्रेडिट्स में और प्रॉपर एनिमेशन के साथ। इनको यूज़ करने का तरीका क्या हो सकता है कि जो भी आपको प्रीसेट यहाँ पे चाहिए, जो भी आपको पसंद आता है, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं अगर यहाँ से बोल्ड इमेज कैप्शन को लेता हूँ यहाँ से, तो उसको जस्ट मैंने यहाँ पर ड्रैग करना है और जहाँ पर भी मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ मैं उसको वहाँ पर जाके ड्रॉप कर सकता हूँ। एक टिप मैं आपको इसमें दे दूँ कि नॉर्मली ये जो मेरा CTI होता है वो बड़ा हेल्पफुल रहता है जहाँ पर मुझे उस चीज़ को क्यू करना हो या प्लेस करना हो। और अगर ऑलरेडी ये कहीं पर इंगेज हुआ हुआ है तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं अपना इन और आउट पॉइंट भी लगा के डिसाइड कर सकता हूँ कि अगर मुझे यहाँ पर एक इस वक्त जो है ये एक ग्राफिक एलिमेंट चाहिए, तो मैं अगर यहाँ पर इसको ओ लगा दूँ और फिर मेरा CTI कहीं और भी मूव क्यों ना हो, मुझे मसला नहीं होगा। मैं जस्ट इसको यहाँ से पकड़ के ड्रैग करूँगा और अपने आउट पॉइंट के साथ इसको, आप देख रहे हैं कि इसको खुद ही ये खींच लेता है। और जैसे हम बात कर चुके हैं कि यहाँ पर ये जो स्नैप की ऑप्शन होती है आपके पास, उसकी वजह से ये उसको अपने पास खींच लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है, या बिल्कुल एग्जैक्टली इस पॉइंट के ऊपर आप इसको सिंक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे पास Layer 2 के अंदर एक यहाँ पर क्लिप की सूरत में एक चीज़ ऐड हो गई है। मैं अगर इसको प्ले करके देखता हूँ तो वो जो एनिमेशन यहाँ पे थी, वो जो पूरा एक इसी तरह से इन और आउट पॉइंट था इसका, वो टाइमलाइन पे बिल्कुल ऐसे ही मेरे पास हो रहा है, ये आउट भी हो रहा है। और अगर मैं चाहूँ तो इसको फर्दर चेंज कर सकता हूँ, जिस तरह के यहाँ पर इमेज कैप्शन हेयर लिखा हुआ है, मैं इसको क्लिक करूँगा तो उसी ही एसेंशियल ग्राफिक्स के टैब के नीचे मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। अगर मैंने यहाँ से ये टी बना हुआ है टेक्स्ट इमेज कैप्शन हेयर, इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, जो भी टेक्स्ट मुझे इस वक्त यहाँ पर लिखना है। मे बी Lecture Number 54 मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँ। आप चाहें तो इसमें आपके पास नीचे सेम वो प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं, आपके पास वो अलाइनमेंट की ऑप्शन मौजूद है जिस तरह से हमने अपने टेक्स्ट के अंदर देखा। आप चाहें तो इसको मैनुअली भी मूव कर सकते हैं अपने सिंपल सिलेक्शन टूल से, और एनिमेशन इसकी वैसे ही रहेगी। अभी भी देखें, इसको मैं फुल स्क्रीन करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये और इसी तरीके से ये आउट भी हो रहा होगा। फर्दर अगर आप इसमें चाहें तो और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, जिस तरह के शेडो शेप वगैरह इस तरह की चीज़ें, इसकी अलाइनमेंट भी है और कलर वगैरह के साथ भी आप प्ले अराउंड कर सकते हैं। ये तो था एक बिल्कुल बेसिक टेक्स्ट एनिमेशन हमारे पास। हम थोड़ा सा और देखते हैं डिटेल में कि क्या ऑप्शंस और हैं हमारे पास। यहाँ से हम ब्राउज पे क्लिक करेंगे तो मैं इसको एक, मेरे पास यहाँ पर एक
ग्राफिक्स है ये वाला, मैं इसको यूज़ करना चाहूँगा, मैं इसको ड्रैग करूँगा यहाँ पे, इसको हम प्ले करके देखते हैं इसमें है क्या हमारे पास बेसिकली। अब देख सकते हैं कि ये जो लाइक वाला, अब मैं आपको बगैर वीडियो के दिखाऊँ तो आपको ज़्यादा बेहतर विजिबल होगा, क्योंकि नीचे इसमें ब्लैक है। फुल स्क्रीन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये एक एनिमेशन है इसमें, और फिर उसके बाद वो ऑन भी हो रहा है। तो आपने देखा कि इसमें हमने इस वक्त ना ही इसको की फ्रेम दिए, ना कोई हमने इसमें कोई कलर चेंज किए, ना कोई हमने कुछ और एक्सटर्नल कुछ इमेज या एलिमेंट हमने ऐड किया। ये सारी एनिमेशन ये प्रीसेट के थ्रू एक बनी बनाई है, जो कि आपके पास ग्राफिक्स के वर्कस्पेस के अंडर है। इसको किसी भी वीडियो के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं, ये ट्रांसपेरेंट फाइल है, इसकी पोजीशन आप कर सकते हैं, आप इसकी जगह अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं। चले मैं भी इस पर लिखता हूँ कि लाइक की जगह हम जो कर देते हैं वाओ, और साइज़ भी इसका हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। फॉन्ट भी चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं, और साइज़ भी आप चाहें तो जितना भी बढ़ाना चाहें इसको बढ़ा सकते हैं। फॉन्ट की सारी ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं, जो आपके पास सिस्टम में ऑलरेडी पड़ा हुआ है। इसको हम चेक करते हैं, हमने साइज़ भी बढ़ा दिया इसका, और हम चाहें तो बिल्कुल इसको अपनी जहाँ पर इसने अपने यहाँ पे टैप किया, हम इसके साथ इसको सिंक कर सकते हैं। आप चाहें तो इसकी ड्यूरेशन भी बढ़ा सकते हैं जहाँ तक आपको ये चाहिए। और उसी तरह अगर आप चाहते हैं कि जल्दी ख़त्म हो जाए, आप इसको यहाँ से बंद कर सकते हैं। तो ये तो थी आपके पास कुछ ऐसे बने बनाए प्रीसेट। आप चाहें तो पूरे अपने थीम को एक साथ लेके चल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि अगर एक ही डॉक्यूमेंट्री एक फील की है तो उसमें डिफरेंट लोगों के इंटरव्यूज़ हैं, तो आप एक दफ़ा डिसाइड कर लेंगे कि आपको किस तरह का लोअर थर्ड या नेम से ऊपर आपको चाहिए, फॉन्ट कलर कम्बिनेशन या उसके पीछे कोई भी एनिमेशन इन्वॉल्व है। ये नहीं होगा कि आप एक कुछ और लगा रहे हो, नेक्स्ट कुछ और लगा रहे हो, तो वो बिल्कुल एक मिक्सचर सा हो जाएगा, अनलेस के पर्पसली आप ना कर रहे हो या उसकी रिक्वायरमेंट ना हो। तो आप इसमें से भी बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, और आप चाहें तो कुछ डाउनलोड भी कर सकते हैं, या आपको बने बनाए प्रीसेट मिल जाएंगे, कुछ आप मे बी परचेज़ करना चाहें परचेज़ भी कर सकते हैं, और इंटरनेट पर बहुत सारी वेबसाइट्स पर बेतहाशा आपको फ्री भी मिल सकते हैं, motionary.com, Mixkit और इस तरह की Evanto, और अगर आप गूगल करेंगे तो आपको बहुत सारी और भी इस तरह की वेबसाइट्स के लिंक्स मिल जाएंगे। तो आप उनको डाउनलोड भी करें, उनको फर्दर चेंज करें और उस पर काम करें, प्रैक्टिस अपनी कंटिन्यू रखें। आप इस बेसिक टैब के अंदर से, ग्राफिक्स के अंदर से बहुत ज़्यादा क्रिएटिव, बहुत ज़्यादा कलरफुल, ब्राइट चीज़ें बना सकते हैं। प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखें, आगे फर्दर हम मज़ीद चीज़ें भी देखते जाएंगे।